स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब बच्चे दानी की जांच। हिस्ट्रो होता है यूट्रस और स्कोपी होता है दूरबीन। अगर बच्चे दानी की दूरबीन द्वारा जांच करी जाती है तो इसे बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्ट्रोस्कोपी किस तरीके से करी जाती है, किन समस्याओं में हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या क्या चीजों का पता कर सकते हैं, कैसे उनका इलाज कर सकते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी के क्या फायदे और नुकसान है। बच्चेदानी जो है एक मांसपेशी की थैली है जिसके अंदर एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है कि जो जो कि नॉर्मली बंद रहता है इस तरीके से, और जैसे इसके अंदर गर्भ रुकता है वो बढ़ना स्टार्ट करता है, ये स्पेस खुलना स्टार्ट कर देता है और बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ बच्चेदानी बढ़ती चली जाती है। बच्चेदानी और इसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये वो जगह होती है जहां पे गर्भ टिकता है, अपना ब्लड सप्लाई लेता है और ग्रो करता है 9 महीने तक, और जब बच्चा पूरा तैयार हो जाता है तो बच्चेदानी के दीवार पे जो मांसपेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पुश करती हैं और बच्चे को बाहरी दुनिया में लेके आती है। तो ये समझा हमने कि बच्चेदानी कितना जरूरी है बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके चलते महिलाओं को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं के चलते आपके डॉक्टर हो सकते हैं आपको हिस्ट्रोस्कोपी कराने की सलाह दें। अब वो समस्याएं क्या हो सकती हैं कि अगर किसी को गर्भ ठहरने में दिक्कत आ रही है, यानी कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या है, तो हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत होती है। कभी कभी प्रेगनेंसी तो रुक जाती है लेकिन वो बार बार अबॉर्ट यानी कि मिस कैरेजेस हो जाते हैं, जिसके चलते ये जांचना जरूरी हो जाता है कि कहीं बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। कई महिलाओं में जो महावारी होती है वो गड़बड़ हो जाती है, अनियमित हो जाती है, जो खून की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, खून ज्यादा बहने लग जाता है या कभी खून बहुत कम हो जाता है, पीरियड लंबे समय तक चलते रहते हैं या कभी आते ही नहीं है। इस तरीके की अनियमितता अगर महावारी में पाई जाती है तो बच्चेदानी के अंदर की जो परत है उसको क्या नुकसान हुआ है, क्या बदलाव उसमें आया है, तो ये जानने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह आपको दी जा सकती है। और कभी कभी सोनोग्राफी के अंदर कई बार बच्चेदानी के अंदर में इस तरीके की फाइंडिंग्स दिखाई देती हैं जिसको कंफर्म करने के लिए और साथ ही साथ उसका निवारण करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको हम लोग केवल हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही अच्छे से पता कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, जैसे बच्चेदानी के अंदर में पॉलिप्स का होना या सेप्टम यानी कि पर्दे का होना। ये वो कुछ कंडीशंस हैं जहां पे हिस्ट्रोस्कोपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी किस तरीके से करी जाती है? हिस्ट्रोस्कोपी दो तरीके से होती है। एक होता है ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी। ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग बहुत ही छोटा, लगभग 1.5-2 मिलीमीटर का एक ट्यूब जैसे दूरबीन इस्तेमाल करते हैं जिसको जिसके द्वारा हम बच्चेदानी के अंदर में देख सकते हैं। ये ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी इतनी सिंपल, साधारण, पेनलेस प्रक्रिया है कि इसके लिए किसी भी तरीके की बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कभी कभी अगर हमें लगता है कि बच्चेदानी के अंदर में कुछ ज्यादा तकलीफ हो सकती है या हमें अगर कुछ मिला तो उसे साथ के साथ ठीक करना है, तो हम लोग 3 mm यानी कि 3 मिलीमीटर के स्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और तब अगर हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो कुछ मात्रा में सिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि आप कुछ देर के लिए बेहोश हों, आप कंफर्टेबल रहें, ताकि डॉक्टर इजिली बच्चेदानी के अंदर की जांच कर सके और कुछ प्रॉब्लम है तो उसका निवारण कर सके। बच्चेदानी को अगर हम स्टडी करते हैं तो बच्चेदानी की एक बॉडी होती है जिसके अंदर कैविटी है, बच्चेदानी का एक मुंह है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान एक दूरबीन जो है वो बच्चेदानी के अंदर में डाली जाती है और ये दूरबीन कैमरा से कनेक्ट होकर के टीवी स्क्रीन के साथ में कनेक्टेड होती है और वो इमेज मैग्निफाई यानी कि कई गुना बड़ी हो जाती है ताकि अंदर में क्या है हम लोग उसे इजिली स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बोला कि बच्चेदानी का ये जो स्पेस है ये ज्यादातर समय पे क्लोज ही रहता है, ये खुला हुआ नहीं होता है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसको अगर हमें जानना है तो इस स्पेस को हमें फुलाना पड़ता है, इस जगह को हमें फुलाना पड़ता है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सलाइन यानी कि एक तरीके के पानी का जो हम
हिस्ट्रोस्कोप के जरिए ही अंदर में डालते हैं ताकि ये बच्चेदानी फूल जाए और इसके अंदर में फिर क्या है हम लोग जांचें। अंदर में हम देखते हैं कि जो अंदर की परत है एंडोमेट्रियम, ये कैसे है, इसकी मोटाई कैसे है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे जा रहा है, ये कैसे दिखाई दे रही है। ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स बच्चेदानी के अंदर जहां पे खुलती हैं उसको बोलते हैं ऑस्टिया। तो ये क्या ऑस्टिया हमें ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं, इसके ऊपर से कहीं जाले तो नहीं है, ये कहीं बंद तो नहीं है, इसकी जांच करी जाती है। कभी कभी बच्चेदानी के अंदर में मस्से पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप, वो इस तरीके के कुछ दिखाई देते हैं, वो ऊपर में हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं या पीछे में होते हैं। इस तरीके के पॉलिप्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो उन पॉलिप्स का डायग्नोसिस भी हिस्ट्रोस्कोपी में कर दिया जाता है और साथ के साथ उसे रिमूव भी कर दिया जाता है। कभी कभी जो हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान हमें पता चलता है कि बच्चेदानी की जो अंदर की बनावट है जो कि नॉर्मली एक ट्राइंगल के जैसे होती है उसमें गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है, हो सकता है कि इसके अंदर में एक तरीके का पर्दा हो जो कि इस तरीके से दिखाई देता है और वो बच्चेदानी को दो भाग में बांटता है, इसे हम बोलते हैं यूट्रस सेप्टम। तो इस सेप्टम का डायग्नोसिस और साथ ही साथ में इसे सेप्टम रिलीज यानी कि सेप्टम को खत्म करने की प्रक्रिया भी हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान करी जा सकती है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि जो एंडोमेट्रियम है ये नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहां से बायोप्सी लेते हैं, इस टुकड़े को बाहर निकालते हैं और चेकअप के लिए भेजते हैं कि आखिर इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन जैसे टीबी या क्लमाइडिया या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते अभी और भविष्य में किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो ये एंडोमेट्रियम की जांच भी करी जाती है। वो महिलाएं जिनको बार बार गर्भपात होता है या बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है उन महिलाओं में हम लोग एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग यानी कि बच्चेदानी की जो अंदर की परत है हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान उसको हल्का सा खुरचते हैं ताकि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टिमुलेट हो सके और बच्चा ठहरने के चांसेस और बाद में अबॉर्शन की जो चांसेस हैं वो कम हो सके। तो ये था कि हिस्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं और इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी की जो प्रक्रिया होती है वो डे केयर प्रक्रिया होती है यानी कि सवेरे आपको हॉस्पिटल में अगर एडमिट किया जा रहा है सब चीजें अगर ठीक रहती हैं तो सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसमें कोई चीर फाड़ पेट में नहीं होता है या कहीं पे भी नहीं होता है, ये दूरबीन के द्वारा नॉर्मल ऑरिफिस मतलब जो कुदरती जो ओपनिंग है उसी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होता है। साधारण सी प्रक्रिया है तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि प्रक्रिया के बाद दर्द या तकलीफ होगी ऐसा भी नहीं है, आप अपना रूटीन का काम कर सकते हैं, अपना ऑफिस जा सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं। हाँ, हिस्ट्रोस्कोपी के बाद कुछ महिलाओं को कुछ दिनों तक नीचे से ब्लड निकल सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि जब हम अंदर प्रक्रिया करते हैं या अंदर पानी डालते हैं तो उसके बाद वो कुछ दिनों तक 5 या 7 दिन तक बाहर आ सकता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन कि हिस्ट्रोस्कोपी में हमें क्या मिला है, आपके डॉक्टर ने अंदर क्या प्रक्रिया करी है, उसके चलते हुए हिस्ट्रोस्कोपी के बाद 5-7 दिन या कई बार 1-2 महीने तक भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं जो हिस्ट्रोस्कोपी संबंधित हैं और आपको लगता है कि हमने जवाब नहीं दिया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम टाइम टू टाइम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।